हेलो दोस्तों, आज जो ये सॉकेट है ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो कंप्लीट ये बॉक्स आता है, ये कंप्लीट बॉक्स आता है और इसमें और ये जो हम लोग असेंबल करते हैं ये सॉकेट और स्विच लगा के, इसमें क्या अंतर है, आपको कौन सा वाला लगाना चाहिए, ये ऐसा रेडीमेड वाला या फिर ऐसे खुद बना के कनेक्शन करके लगाना चाहिए ऐसा स्विच और सॉकेट को मिला के। तो हम लोग पहले सामान देख लेते हैं, इसके बाद प्राइस बोलेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। जैसे ये प्लास्टिक बॉक्स हो गया, ये 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, और ये स्विच है MRP है 112, और इस स्विच के MRP है 106 और इस सॉकेट का 112। तो ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का पड़ा है ये सॉकेट, और ये स्विच पड़ा है मुझे 90 रुपीज़ का। तो दोनों मिला के मेरे को करीब पड़ा है, ये तीनों मिला के मुझे पड़ा है 50, 70 और 80, तो 150 हो गए ये दोनों मिला के, और ये हो गया 50, तो ये 200 का मुझे पड़ा है ये तीनों, मतलब एक सॉकेट 200 का ये मुझे पड़ा है 16 एम्पेयर का। और ये जो रेडीमेड आता है ये भी एंकोर का ही है, इसका MRP है दोस्तों 230 29, मतलब 230, और मुझसे ये पड़ा है 170 रुपीज़। तो इन दोनों में सिर्फ 30 रुपया का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 10 बॉक्स लगाते हो तो आपको 300 रुपीज़ डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्वांटिटी जैसे बढ़ता है तो डिफरेंस भी 30 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको खोल के देख लेते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो देखिए ये स्विच है एंकोर का 16 एम्पेयर, नहीं 20 एम्पेयर का है, ये इधर लिखा हुआ है 20 एम्पेयर 20A और 240 वोल्ट, और इसके साथ आपको 4 स्क्रू मिलेगा इस बॉक्स पे लगाने के लिए, और इसके बाद सॉकेट भी एंकोर का है, इसके साथ भी आपको 4 स्क्रू मिलता है जैसे कि आप इस बॉक्स पे लगाओगे। और ये हो गया हमारा सॉकेट जो कि सेफ्टी के साथ है, और ये भी सेफ्टी के साथ है, दोनों ही एंकोर ब्रांड का है। और इस बॉक्स में आपको एक फ्यूज़ भी मिल जाता है, देखिए एक फ्यूज़ मिल जाता है और एक इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये जो आप खुद असेंबल करोगे इस पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जगह पे ये जो बोर्ड है ये खुद असेंबल करके बोर्ड लगा सकते हो, और अगर ये बॉक्स लगाना है जैसे कि मान लो आप फ्रिज के लिए लगाना चाहते हो या फिर इंडक्शन या फिर ऐसा कोई बोर्ड पे जहाँ पे आप लोगों ने एक बार जो सॉकेट है जैसे ये वाला सॉकेट होता है, ये वाला एक बार प्लग लगा दिया तो इसको रोज़ आपको खोलना नहीं पड़ता, रोज़ लगाना नहीं पड़ता, तो उस जगह के लिए ये जो रेडीमेड बॉक्स है ये अच्छा है। लेकिन आपको अगर हर रोज़ खोलना है, हर रोज़ लगाना है तो आपको ऐसा टाइप का बॉक्स लगाने के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप लोग इस स्विच को लगाओगे, अगर इसका सॉकेट ख़राब हो गया या स्विच ख़राब हो गया तो आप सेपरेटली चेंज कर सकते हो 70 या 80 रुपीज़ खर्च करके, लेकिन ये बॉक्स ख़राब होने पे आपको पूरा बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, ये पीछे का बॉक्स, ये सामने का स्विच बॉक्स, पूरा मतलब ये पूरा जो बॉक्स है ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें मुश्किल भी ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है, और आपको टेक्नीशियन भी चाहिए होगा। और अगर आप खुद ये लगाते हो, अगर ये स्विच या फिर सॉकेट ख़राब होता है, आप ये खुद घर पे भी एक सॉकेट या स्विच ला के इस सामने का जो 4 बोल्ट लगा है इसको खोल के, इधर का 4 बोल्ट खोल के आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको हर रोज़ खोल के लगाना है तो आपको ये लगाना है, अगर आपको फिक्स्ड मतलब हर रोज़ खोल के नहीं लगाना तो आपको ये रेडीमेड वाला लगाना है, क्योंकि ये सुंदर दिखता है और झंझट कम है, इजीली लग जाता है, और इसमें थोड़ा सा झंझट भी ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी काम के लिए है। तो
इसका प्राइस मैं फिर से बता देता हूँ, ये पड़ता है 200 रुपीज़। ये जो आपको पूरा असेंबल करना है ये आपको 200 रुपीज़ पड़ेगा। और ये जो रेडीमेड वाला है ये एंकोर का है रेडीमेड वाला, ये आपको पड़ेगा 160 या 170। तो और एक बार ये बोर्ड का अंदर का भी मैं खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर आपको एक लाइट मिल जाता है जो कि इंडिकेटर का काम करता है, और एक फ्यूज, और ये स्विच और सॉकेट। देखिए आप, ये जो सॉकेट है ये 16 एम्पेयर का है, इधर लिखा हुआ है। कैमरे में तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये 16 एम्पेयर का है और ये 20 एम्पेयर का है। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी लोड ले सकता है और आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो इस सॉकेट या स्विच को। लेकिन इसमें इस सॉकेट को या स्विच को आप अलग से चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपको पूरा बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये लगाना है तो ये लगाइए, और ये लगाना है तो ये भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप लोग हर रोज़ जो प्लग है इसको खोलते हो लगाते हो, ये जो प्लग है इसको खोलते हो लगाते हो हर रोज़ ऐसा करने से, या फिर ज़्यादा आप लोग प्लग यूज़ करते हो खोलते हो लगाते हो, तो ये वाला स्विच आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें चेंज करने के लिए बहुत ही आसान और कम खर्च में हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छा है। और इसमें अपने अगर फ्रिज का है या फिर इंडक्शन का है या फिर टीवी का है, ऐसे आपने एक बार लगा दिया तो महीनों तक खोलना ज़रूरी नहीं होता। तो आप लोग ऐसा बोर्ड यूज़ कर सकते हो लाइट यूज़ के लिए। अगर आपको हैवी यूज़ करना है तो यही यूज़ करिए, आपको अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगा, कॉम्प्लेन नहीं होगा। लेकिन ये वाला लगाने से आपका कॉम्प्लेन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये देखने में तो सुंदर है लेकिन हेवी काम के लिए दोस्तों ये नहीं बना है, या फिर रेगुलर यूज़ के लिए ये नहीं बना है। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। चलो बाय। इतना देर तक ये भी मेरे साथ ये सब देख रहा था, देख के समझ रहा था।